बालों को गिरते हुए देख रहे होंगे और दुखी हो रहे होंगे उन नाली में जाते हुए बालों को. रूखे सूखे बाल. वेरी गुड, वेरी नाइस पिक्चर, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. बता दूं कि आज की वीडियो में मैं गिव अवे विनर अनाउंस करने वाली हूँ, जो मेरी नायका हॉल वीडियो में थे. सारे बेस्ट आंसर्स थे, बट विनर कौन है ये देखने के लिए एंड तक वीडियो को वॉच करें. तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फंकीनेस विद भावना. आज का वीडियो बहुत ही बैशिंग वीडियो माना जा सकता है, बट मैं, ट्रस्ट मी, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद दीज प्रोडक्ट्स कि मेरे को एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू देने का मन कर गया. बट मैं एक और चांस करके इस ब्रांड को एक चांस दे रही थी. तो मामा अर्थ के बारे में आपने ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज़ कहीं सारे सुने होंगे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके पास रखना चाहती हूँ, सो दैट यू डोंट गेट इनटू दिस अग्रेसिवली मार्केटेड प्रोडक्ट. सबसे पहले ये बात करते हैं कि सबसे अच्छी बात जो है मामा अर्थ के बारे में एज अ ब्रांड, वो ये है कि वो अपने आप को अग्रेसिवली मार्केट करते हैं. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सटल वे में यूट्यूबर्स को अपने ब्रांड को प्रमोट करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि क्रूएल्टी फ्री है, वी रिसाइकल, आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट की जगह हम एक प्लांट लगा रहे हैं. तो ऐसे करके बहुत सारी टू गुड फैक्टर्स डाले हुए हैं इस ब्रांड ने, ताकि आपको लगे वाओ, आई एम डूइंग मच मोर टू द एनवायरमेंट एंड टू माई हेयर, क्योंकि मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रही हूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ. तो आप बड़े खुश हो जाओगे और आप सोचो कि वाओ, आई एम गोइंग टू स्पेंड 400 रुपीज़ और 399 रुपीज़ फॉर दिस प्रोडक्ट एंड आई एम गोइंग टू इन्जॉय एंड फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी. एंड ट्रस्ट मी, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अब तक यूज़ करे उसमें से कुल मिला के एक ही प्रोडक्ट मुझे थोड़ा ठीक लगा है, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो तक बताऊंगी. तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं आर्गन शैम्पू और आर्गन कंडीशनर से. ये 250 ml के प्रोडक्ट हैं और ये अराउंड 669 रुपीज़ अगर इफ बॉट टुगेदर सॉर्ट ऑफ पड़ जाते हैं. इसमें लिखा है कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव है. इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं मेनली जो हाइलाइटेड है वो है आर्गन और एप्पल साइडर विनेगर. एप्पल साइडर विनेगर ऑल्सो हेल्प्स यू रिमूव डैंड्रफ, सो हेयर फॉल रिड्यूस होना चाहिए टेक्निकली उससे. पैराबिन एंड SLS फ्री एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस पिक्चर, लव इट, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी बिकॉज वेन एवर आई अप्लाइड बोथ ऑफ देम, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप आर्गन कंडीशनर के साथ ट्राई करो. तो मैंने दोनों के साथ ट्राई करा और हर वेदर में ट्राई करा, मानसून में, समर में, विंटर में, लेकिन किसी में भी मेरे बालों पर कोई अच्छा असर नहीं हुआ. इन फैक्ट इट डिड एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ वॉट इट क्लेम्स. इट क्लेम्स कि मेरे स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करेगा. स्प्लिट एंड्स कहीं से रिड्यूस नहीं लग रहे. फ्रिज को रिपेयर करेगा, ड्राई और डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करेगा, जेंटली क्लेंस करेगा और नरिश करेगा. नरिश जीरो, क्योंकि ड्राई तो बिल्कुल ज़्यादा ही लग रहे थे, क्योंकि अगर नरिश होते तो ड्राई नहीं रहते. डैमेज्ड कहीं से बेटर नहीं हुआ. इनफैक्ट इसके अलावा मैं कोई भी और शैम्पू यूज़ करती थी तो उसका रिजल्ट मुझे बेटर मिलता था. अगर मैं बीच में कभी रिप्लेस कर लेती थी ये सोच के कि यार बहुत ज़्यादा आज मुझे कहीं जाना है और आज मैं बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर के साथ नहीं डील कर सकती. प्लस ये बॉटल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि मुझसे यूज़ ही नहीं करा जा रहा. मतलब मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को, आर्गन हेयर शैम्पू और कंडीशनर को, दो बार मंगवाया है. एक बार एक बॉटल, दोनों बॉटल्स ख़त्म हो गई, फिर मैंने रिपीट मंगवाया टू टेस्ट इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. मानसून में चलो माना जा सकता है कि तुम्हारे बाल ऑलरेडी ख़राब हो सकते हैं, तो विंटर में सितंबर के टाइम पे जब वेदर अच्छा होता है, जब अपने आप तुम्हारे बाल अच्छे हो जाते हैं, तो इसको अप्लाई करते ही बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग लेवल पे मेरे बाल हो जाते थे. ये सोच रहे हो कि आप फ्रिजी आपके बाल हैं या ड्राई है तो आप ये यूज़ करके खुश हो जाओगे, तो आप गलत फहमी में हो. ऑल्सो मैंने इनकी हर प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट चेकआउट करे. उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट लिस्ट गूगल पे मैंने चेकआउट करे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि लेस हार्मफुल है या ये यूज़ होता ही है इन नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन. तो इतना प्रॉमिसिंग लगता है ना व्हेन यू लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट समहाउ दे डोंट वर्क. इनका एक और कंडीशनर मैंने ट्राई किया हुआ है, नो मोर टैंगल्स कंडीशनर, अगेन फॉर फ्रिजी हेयर, विद मिल्क प्रोटीन, एवोकाडो एंड शिया बटर. इसमें है बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स, शिया बटर, कोकोआ बटर, आमला एक्सट्रैक्ट, मिल्क प्रोटीन, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, एवोकाडो ऑयल, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल एंड सेडरवुड एसेंशियल ऑयल एंड वॉट नॉट.
This also didn't work, this also didn't work. So let's discuss the ingredients of this conditioner. No More Tangles Conditioner. Tea tree essential oil is supposed to make your hair healthy and moisturized. Cedarwood essential oil reduce karega aapka hair loss. Lemon essential oil reduce karta hai sebum producing by shrinking large pores. Lavender essential oil promote karta hai growth. Ye sab sunke lagta hai ki wow, amazing products, what ingredients I'm using. Is ingredient list ko sunkar lagta to aisa hai jaise ki aap ek sapne mein hai jahan यहाँ पे बहुत सारे यूनिकॉर्न बैठे हैं, ग्लिटर उड़ रहा है, वाटरफॉल हो रही है, वाटरफॉल में चमक के कुछ आ रहे हैं, चॉकलेट्स हैं, पेड़ों में चॉकलेट्स उगी हुई हैं एंड व्हाट नॉट. बट एक्चुअल रियलिटी जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप बैठे हैं चार दीवारी में. एग्जैक्टली एज आई एम मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, कि आपकी जब आंखें खुलेंगी, जब तक आप यूज़ करोगे तब तक आपके हेयर को डैमेज हो चुका होगा, मगर जब आप आंखें खोलेंगे तो आपके वही रूखे सूखे बाल और वही ऐसा लगेगा जैसे कोई एशियन शॉप की एड चला दी हो जिसमें आपको सिर्फ दुख ही दुख बता रहे हैं और सोल्यूशन नहीं. अब आते हैं अनियन शैम्पू पे, क्योंकि लोगों ने बिलीव करा कि अनियन शैम्पू इज सपोज टू रिड्यूस योर हेयर फॉल. ऐसे जैसे अनियन जूस आप घर पे लगाते हैं उसकी जगह आप शैम्पू ही यूज़ करेंगे तो एकदम से आपको चेंज लगेगा. डेफिनेटली एक दिन के लिए इसमें चेंज लगता है कि हेयर फॉल में बहुत ही कम रिडक्शन होता है, मगर है, लेकिन उसके बाद वापस आप वहीं 80-90 बालों को गिरते हुए देख रहे होंगे और दुखी हो रहे होंगे उन नाली में जाते हुए बालों को. तो इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात क्या है, आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसमें जो आर्गन शैम्पू के अंदर एक एक इंग्रेडिएंट लिस्ट है, आप मानोगे नहीं, मैंने लिटरली मार्क कर रखा है एक एक इंग्रेडिएंट लिस्ट को, मतलब ढूंढने के लिए, समझने के लिए कि इसमें क्या क्या है. इसमें भी मैंने मार्क करा और जब मैंने मार्क करके देखना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दे आर एग्जैक्टली द सेम, ओनली द इंग्रेडिएंट लिस्ट में फ़र्क ये है कि उसकी सीक्वेंस अलग है, अदरवाइज ए टू जेड इट्स द सेम प्रोडक्ट. आई डोंट गेट इट, व्हाई वुड यू एडवर्टाइज विद टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, टू डिफरेंट नेम्स इन द, मतलब इट्स लाइक यूजिंग फेयर एंड लवली एज ग्लो एंड लवली, इट्स द सेम थिंग. तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे है ऑन द लाइक ऑन द स्क्रीन. जब आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने दो अलग इंग्रेडिएंट लिस्ट डाल रखी है. नीचे आप देख सकते हैं कि अनियन शैम्पू और ऊपर देख सकते हैं आर्गन शैम्पू, और इसमें मैंने मार्क कर रखा है विद द कलर्स, विद द सेम काइंड ऑफ कलर्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनियन शैम्पू और आर्गन शैम्पू का. तो एक्वा का अगर रेड कलर का मैंने एरो डाल रखा है तो एक्वा का ही दूसरे इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी मैंने एक्वा का सेम कलर डाल रखा है. सेम वे मैंने आपको दिखाया है कि कितने ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पिंक इज़ मैचिंग विद द पिंक, ब्लू इज़ मैचिंग विद द ब्लू, ओनली द सीक्वेंस ऑफ पिंक एंड ब्लू एंड रेड इज़ गोइंग डिफरेंट. तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट बट अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. एक दो छोड़ के बाकी सारे सेम है. तो आपको समझ में आया है कि ब्रांड कैसे अपने आप को प्रमोट करता है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना के, अंदर डब्बी के अंदर वही है, बाहर लिखा है अनियन शैम्पू और यहाँ दूसरी तरफ लिखा है आर्गन शैम्पू. ओहो हो, लेट्स गो टू द फोर्थ प्रोडक्ट. तो ये है कोको फेस वॉश विद कॉफ़ी एंड कोकोआ फॉर स्किन अवेकनिंग. अगेन द सेम रट्टाफिकेशन, पैराबेन एंड SLS फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, नॉट एट ऑल, रिफ्रेशेस इंस्टेंटली, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, डीपली क्लेंजेस स्किन. वाओ, नॉट एट ऑल, क्रैप क्रैप. So this product was suggested by that quirky miss. I don't blame her for suggesting it. Maybe she liked it. बट मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट इतना बेकार है क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया मेरी स्किन के लिए. इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया तो ही हैड अ ब्रेकआउट एंड ही हैज सेंसिटिव स्किन. सो आई डोंट नो हाउ इट्स सेइंग सूट्स ऑल स्किन टाइप्स. सेकेंडली मेरी ड्राई स्किन टाइप है एंड इट डजेंट लीव इट मॉइस्चराइज्ड नॉर इट लीव्स इट ड्राई, मतलब कुछ भी नहीं करता एंड एक्चुअली डल छोड़ देता है मेरी स्किन को. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जैसे स्किन अवेकन हो गई है बिकॉज ऑफ कॉफ़ी. तो इसमें है सिट्रिक एसिड, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, कोकोआ एक्सट्रैक्ट. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब प्रोडक्ट्स जो क्लेम कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्यों हो रहा है. कॉफ़ी सपोज टू बी दैट थिंग जिसमें डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं,
prevents acne and skin ki healthy appearance hoti hai. Reduces signs of aging and restore. Dekho, signs of aging toh we can't predict or understand just like in 1 or 2 months. Skin healthy appearance hai jo coffee se aani chahiye aur wo nahi aati isse bilkul bhi. In fact, itna zyada fragrance hai ki ulti aati thi shuru mein isko use karne mein aur abhi bhi ye bhi khatam nahi ho raha. Ye around 100 ml ka product hai aur iska price hai 249 rupees. So very disappointed with this product as well. But I wouldn't say ki इतना बेकार लगा जितना आर्गन शैम्पू एंड कंडीशनर एंड दैट नो टैंगल्स कंडीशनर बट स्टिल नॉट वर्थ लाइक रूइनिंग योर स्किन विद दिस. फिफ्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर. हर चीज़ में एप्पल साइडर विनेगर चल जाता है फॉर एक्ने प्रोन स्किन है, जो कि अगेन मेरे हस्बैंड ने ट्राई करा, उसकी एक्ने प्रोन स्किन है बट डिडंट वर्क अगेन फॉर हिम बिकॉज इट्स वेरी हैवी ऑन द स्किन. लेट मी जस्ट शो यू, बहुत ही हैवी है, थिक है बहुत ज़्यादा और अब्जॉर्ब होने में बहुत देर लगाती है. इसको रब करते जाओ एंड इट विल टेक सो लॉन्ग टू गेट अब्जॉर्ब और ये ऐसा लगता है स्किन के ऊपर ही रह गई है जैसे. एंड इट्स नॉट इवन लाइक मॉइस्चराइजिंग, इट्स नॉट इवन लाइक सी so long it's taking to absorb. It's not oil free moisturizer, doesn't seem to be. It's very heavy for oily skin, acne prone skin. तो अगर ये ड्राई, मेरी इतनी ड्राई स्किन है कि उसी में अब्जॉर्ब होने का मैं घंटे लगा दिए इसने, तो फिर एक्ने प्रोन स्किन या ऑयली स्किन के ऊपर कितनी देर लग जाएगी. द लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ द लीस्ट डिसअपॉइंटिंग इज अ सनस्क्रीन. देख सकते हो आप कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है. एंड द अदर प्रोडक्ट जितने भी सारे थे मेरे पास वो इतने महीनों से यूज़ नहीं हो पाया मेरे से. सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने एक दो महीने में यूज़ करा है. तो ये है हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन एलोवेरा एंड रेसबेरी के साथ. SPF 50 है. द प्राइस इज 399 फॉर 50 ग्राम्स. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 99% या 90% नेचुरल ही है और, लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इन्ग्रीडियंट लिस्ट कम्प्लीट है कि नहीं. इट्स दिस सनस्क्रीन इज़ लाइट वेट, इट्स इट डजंट लीव अ कास्ट ऑन लाइक जो भी सनस्क्रीन की प्रॉब्लम होती है. थिंक इट विल बी सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन स्किन. मैंने किसी और पर ट्राई नहीं करवाई है इसलिए प्लीज अपने हिसाब से ही चूज करना. इट्स वेरी सब्जेक्टिव अगेन, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. अगर आप कोई भी स्किन केयर यूज कर सकते हो, सकता है मेरे लिए वर्क करे आपके लिए ना करे. और मामा अर्थ का तो वैसे ही मुझे उम्मीद को थोड़ी सी कमी है बट ये थोड़ी सी रह गई है एंड आई वुडंट माइंड बाइंग दिस अगेन. सो दिस इज द ओनली ओके प्रोडक्ट दैट आई फाइंड इन मामा अर्थ. सो दैट्स इट फॉर माई मामा अर्थ ऑनेस्ट ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू. आई होप कि आपको इससे समझ आया हो कि आपको इनके प्रोडक्ट्स लेने हैं या नहीं. मेन मोटिव इज बिकॉज आई एज अ कंज्यूमर गॉट डिसअपॉइंटेड. आई वॉन्टेड यू गाइज टू अंडरस्टैंड वॉट टू बाय एंड वॉट नॉट टू बाय. लेट्स गो ऑन टू द गिव अवे विनर. सो थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग. सब ने बहुत ही अमेजिंग आंसर्स दिए. इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट. जितने भी लोग हैं सब मेरे फेवरेट्स हैं. सब ने मुझे जो भी मेरे को यूजली भी मैसेज करते रहते हैं उन्होंने कमेंट किया और सबका साथ है यार, सबका सबका साथ सबका विकास. एवरीबडी हैज सपोर्टेड मी. जितने भी लोग हैं आई लिटरली नो ईच ऑफ देयर नेम्स, ईच ऑफ योर नेम्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. क्योंकि मैं छोटा सा चैनल है मेरा तो आप है क्यों? है क्यों आप? और मैं इसी में खुश हूँ. तो मेरे को लगता है कि बस इन्हीं लोगों के लिए मेरी इंटरेक्शन चलती रहे और थोड़े बहुत और ऐड होना चाहे, जो भी दिल से आना चाहे. तो थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग. प्लीज़ नाराज मत होना क्योंकि मैं पहली बार गिव अवे नहीं कर रही हूँ और मैं आखिरी बार भी नहीं कर रही. मैं इसके बाद बहुत सारे गिव अवेज करूँगी बट आई एम श्योर कि आप लोगों में से जो जो मेरे को कमेंट करते हैं आप लोगों को एक ना एक बार ज़रूर चांस मिलेगी टू विन. तो सारा सिद्दीकी, यू आर द विनर, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. जस्ट सेंड मी योर डिटेल्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज सो दैट आई कैन सेंड यू द प्रोडक्ट एंड यू कैन put a picture of it. So see you in my next video. Bye bye.